हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है और पाइथन प्रोग्रामिंग में सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन सीखेंगे। देखिए, सीरियलाइजिंग करने का क्या मतलब है? सीरियलाइजिंग करने का मतलब ये है कि हम पिकलिंग कर रहे हैं, और डीसीरियलाइजिंग का मतलब अनपिकलिंग करना, यानी डेटा का फॉर्मेट बदलना, ये कहलाता है सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। तो चलिए इसको पाइथन में कैसे करते हैं, आइए हम आज इसी चीज को सीखेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो वीएस कोड पे भी ये कोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड अगर मैं ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर भी ये कोडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वीएस कोड देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन है और यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ लाइक mypy.py के नाम से, और इसी के अंदर अब हम कोडिंग करेंगे और यहाँ पर देखेंगे पिकलिंग। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? पिकलिंग देखेंगे। तो यहाँ पर पहले आपको दिखाने वाला हूँ पिकलिंग। तो यहाँ पे हैश करके पिकलिंग लिख दिया मैंने, और यहाँ पे पिकल को इंपोर्ट कराना होगा। तो पिकल मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कराएंगे, तो यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट पिकल। तो इस तरीके से इंपोर्ट पिकल लिख दीजिएगा आप और एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डाटा हमें लेना है, आप जो भी नाम यहाँ पे देंगे अपने लिस्ट को वो ही नाम आपको यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं डाटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कोई भी एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम, ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमा दिया, इनकी एज की बात कर लेते हैं 55, फिर यहाँ लिखा श्याम, फिर यहाँ पर इनके एज की बात करेंगे। तो ऐसे करके लगातार हमें चलते जाना होगा, ठीक है, और एक लिस्ट हम प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे श्याम कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर कॉमा दे करके, और फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 33 कर लिया, फिर यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर यहाँ एक और नाम दे देंगे मनोज, ये दे दिया, और मनोज देने के बाद फिर यहाँ पर आएंगे तो कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ दे देंगे 22। इस तरीके से करके हमको दे देना है, ठीक है। और ये देने के बाद क्या करना है, बाइट, यहाँ पर बाइट के बारे में जानते हैं कि बाइट जो है स्पेशल रिजर्व वर्ड होता है, ठीक है। पाइथन के अंदर बाइट जो है एक स्पेशल रिजर्व वर्ड है, और यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म में। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाइट इज इक्वल टू पिकल डॉट डम्प। अब जो डम्प फंक्शन है ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। डम्प यहाँ पे लिखा, और हमने क्या लिया है, डाटा नाम लिया है, तो यहाँ पे हम डाटा ही दे देंगे, ठीक है। तो जैसे दिया गया है वैसे ही हमने दे दिया है, और यहाँ पर क्या करना है, एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे अब हम किसको प्रिंट करवा दें, तो हमने बाइट लिया हुआ है तो हम बाइट को प्रिंट करवाएंगे, तभी तो हमें ये बाइनरी फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे बाइट लिख दिया, अब ये हमारा पिकलिंग होगा। तो यहाँ से इसको चला देते हैं, और यहाँ नीचे आप रिजल्ट में देखेंगे तो रिजल्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई स्पष्ट जो है यहाँ पर चीजें दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके समझ से बाहर होगी ये चीजें, यहाँ पर केवल राम आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, वो भी बीच में एक जगह लिखा हुआ है, बाकी की ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। यहाँ पर देखिए ये नीचे जो चीजें आ रही है ये बिल्कुल समझ से परे है। तो अभी इसको हम डीसीरियलाइज करेंगे, यानी अनपिकलिंग इसकी करेंगे। तो यहाँ पर मैं अनपिकलिंग कराने जा रहा हूँ, ये भी ध्यान दीजिएगा, पिकलिंग और अनपिकलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अब अनपिकलिंग कराएंगे। अनपिकलिंग करते समय क्या करेंगे, यहाँ पर एक नाम जो हमने लिया था डाटा नाम से, तो इसको डाटा वन कर देते हैं, डाटा टू कर देते हैं, किसी भी नाम से ले सकते हैं, चलिए डाटा थ्री कर देते हैं इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे लगाना है पिकल मॉड्यूल, जो पिकल हमने इम्पोर्ट कराया था वो लगाइएगा पिकल, और यहाँ पे डॉट, अब हम लोड का यूज करेंगे, तो एल ओ ए डी एस लोड लिख दिया हमने, और किसको लोड करेंगे, जो बाइट जो बाइनरी फॉर्म में चेंज हो चुका था उसी को लोड करेंगे, और कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसको हम अपने रीडेबल यानी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका नाम हमने क्या दिया है, डाटा वन करके दिया है, तो यहाँ पे डाटा वन दे देंगे, और जब इसको चलाएंगे ना तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में वापिस से प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डाटा थ्री दिया है, डाटा वन नहीं डाटा थ्री रहेगा, और जैसे ही इसको चलाएंगे ना तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट पर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको रन करवा देता हूँ सीधा सीधा, तो यहाँ पे आप देखेंगे अब ये एकदम स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि ये लिस्ट जो बनाई थी सेम वही चीज यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पर इस तरीके से ये प्रिंट होकर आया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई भी पड़ रही होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है आपको सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन, ठीक है। डेटा का फॉर्मेट बदल देना ये कहलाता है सीरियलाइजेशन यानी पिकलिंग, और अनपिकलिंग क्या होता है, डेटा का फॉर्मेट जो फॉर्मेट पहले था यानी कि बाइनरी फॉर्म से हट करके
उसे मेन फॉर्म में लेके आना, ये कहलाता है डी सीरियलाइजेशन। तो यही है सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन। ओके।